झारखंड निर्माताओं में से हम लोग वो योद्धा हैं जो हम लोग के जवानी की ताकत को झोंक दिया और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के संस्थापक के रूप में हम लोग सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व करते थे, यानी कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव लीडरशिप एंड कलेक्टिव डिसीजन करते थे, जिसमें हमारे अगुवाई में से कौन लोग थे, हमारे अगुवाई में से जैसे इधर प्रभाकर तिर्की, राजू मातू जी है, सुधीर मुंडू जी है, सफी जी है, इधर अशोक, इस तरह के तमाम करीब 10,000 फौज उस समय प्रशिक्षित हुआ था, जहाँ गोरखालैंड के लोग आए प्रशिक्षण के लिए, आसाम से लोग आए, बोडोलैंड से आए, तो ऐसा प्रशिक्षित हो गया 1989 में, तो 72 घंटा झारखंड में झारखंड राज्य बन गया। ये बात झूठा है कि शिबू सोरेन झारखंड को का जनक है, शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन को बनाया है, शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन को बेचा है 1993 में 3.5 करोड़ रिश्वत में, संसद में रिश्वत कांड हुए, नरसिंह राव सरकार में पकड़ा गया, तिहाड़ जेल में है, वो दागी आदमी है, झारखंड को बेचने वाला, कभी रिश्वत लिया, कभी परिषद लिया, अलग झारखंड राज्य अगर बनाया तो आज जो ये लोग जो बैठा हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं बहुत दर्द है हम लोगों को, नौजवान लड़ रहा है, एक खेमा लड़ रहा है, जयराम महतो के आवाज़ से नौजवान गोलबंद हुआ है, दूसरा जो है देवेंद्रनाथ महतो के नाम से अभ्यर्थी लड़ रहा है, एक सफी आलम के नाम से जो अभ्यर्थी लोगों को जेपीएससी से जो उन लोगों को सम्मान नहीं मिला, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, ये तमाम, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक जो बागी तेवर अपनाया हुआ है, ये तमाम लोग जो लड़ रहे हैं, वो तमाम लोगों को गोलबंद करने का हम लोगों ने प्रयास किया, उस दिशा में हम लोग कामयाब हुआ, और तीसरा विकल्प के रूप में थर्ड फ्रंट हम लोग बना लिया, ये काफ़ी ये तीसरा बैठक हो रहा है, हम लोगों ने बनाया है, पार्टी नहीं बना, राजनीतिक पार्टी नहीं बना, जो भी राजनीतिक पार्टी अगर बना हो, अगर समान विचारधारा में सहमत होगा, हम लोगों के घोषणा पत्र के अनुसार खाता खतियान पैसा, खाता खतियान हिसाब, जल जंगल जमीन विस्थापन, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरण, तमाम चीज में जो सहमति होगा, है भाजपा छोड़ के, जेएमएम छोड़ के और कांग्रेस छोड़ के, आरजेडी छोड़ के, जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में जेएमएम गठबंधन को छोड़ करके और विपक्ष में बीजेपी गठबंधन आजसू पार्टी सुदेश छोड़ करके, बाकी तमाम सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक शक्तियों को गोलबंद करने का हम लोग प्लेटफॉर्म बना लिया, उस प्लेटफॉर्म का नाम है झारखंडी खतियानी मोर्चा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।